तो क्या हाल चाल समाचार है आप सभी के। वेलकम टू फार्मा माइंड्स, हाउ टू क्रैक जी पैट। अभी तक आप सभी के मन में डाउट था कि जी पैट दूं कि नहीं दूं, लेकिन लास्ट अभी 2-3 दिनों में आपने न्यूज सुनी ली होगी जिसमें पूरे जी पैट के इतिहास के बारे में बताया कि पहले जी पैट कौन कंडक्ट करता था, फिर स्टाइफन कौन देता था, अब जी पैट कौन कंडक्ट करेगा और स्टाइफन कौन देगा, है ना। तो अब सब चीजें क्लियर हो रखी हैं, सर्कुलर आ ही चुका है। अब उस सर्कुलर के ऊपर मैं आकाश सर वीडियो बना रहे हैं, शायद मेरी वीडियो डालने से पहले ही वो वीडियो आ जाए या फिर आपको कल तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप्स में ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि अभी हमारे को डेट का नोटिफिकेशन आया था 8 जून 2024, ठीक है, और अभी कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 55-60 डेज रहते हैं हमारे पास जीपीटी की प्रिपरेशन के लिए, और वो डेट भी टेंटेटिव है, मतलब 8 तारीख आप मान के चलिए या 2-4 दिन पहले हो जाएगा, 2-4 दिन बाद होगा, बट एग्जाम जून फर्स्ट वीक के आसपास ही होगा। तो क्या हम जी पैट क्रैक कर सकते हैं, क्या हम ऐसा फॉलो करें जिससे हम लास्ट के 50 दिनों में, अगर हमने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है तो हम स्टिल जी पैट क्वालिफाई कर जाएं, या फिर हमने बहुत अच्छा पढ़ा है तो हम रैंक ले आए, है ना। तो पूरी की पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे, साथ ही में हम क्या सरप्राइज लेके आए हैं, हमारे किस कोर्स से आपको बेनिफिट होगा, वो चीज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा, उसको बताने से पहले आप ये वाला वीडियो देखें, क्वालिफाई जी पैट इन 100 डेज। इसमें क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट बताए गए हैं जो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब पहले वही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कोई और सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। अब चलते हैं सीधे, हम आपको बताते हैं कि आपको ये 50 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है। 50 दिन, आपको 50 दिन में 5 टास्क करना है हर एक रोज, ठीक है। ये वाला जो टास्क है ये करना है आपको बिफोर बेड, मतलब कि सोने से पहले, ठीक है, ये आपको पूरे दिन में करना है, ठीक है, और ये करना है आपको अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। ये आपको 5 काम करने हैं, क्या है वो काम और उस काम से आपको बेनिफिट क्या है वो हम समझते हैं इसमें। सबसे पहली चीज देखो, और हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हर साल आता है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हर साल आता है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन भी हर साल आता है। अगर हम इनामदार के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं लास्ट 10-15 साल के, आपने बहुत बार देखा होगा कि टेंडेंसी रहती है कि कोई क्वेश्चन 2 साल 3 साल बाद वापस से रिपीट हो जाता है, वो नहीं होता तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन होता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं क्या रीडिंग्स, मतलब जैसे कि आप लोगों ने कभी फार्मा माइंड में कॉल घुमाया होगा, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें क्या चीज, तो मैं आपको 3 चीज हमेशा बोली होगी मैंने कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 चीजें लगती हैं, पहला कंटिन्यूअस लर्निंग, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा रिवीजन। अब हम क्या है, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग वाले फेज में रहते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज आती है, बट रैंक नहीं आता, रैंक सिर्फ रिविजन से आता है, प्रैक्टिस से आता है। आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आईएएस आईपीएस बन चुके हैं उनका कभी इंटरव्यू देखिएगा, वो कहते हैं कि हम 10 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, हमने 10 टॉपिक पढ़ लिया, हम उस 10 टॉपिक को कम से कम 20 बार पढ़ते हैं, मतलब रिपीटेशन इज द की फॉर गेटिंग मार्क्स। आपको जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे मार्क्स और उतने अच्छे रैंक सिक्योर करोगे। तो पहला क्या है, पहला टास्क ये रात को सोने से पहले आधे घंटे पहले, मतलब ये आधे घंटे का मैं एक क्लासिफिकेशन, एक नेम रिएक्शन और 10 MCQ बोलता था अक्टूबर नवंबर में, बट अभी क्योंकि टाइम कम है तो आप आधे घंटे की जगह 45 मिनट्स लगाएंगे, तो 2 क्लासिफिकेशन हर रोज पढ़नी है, चाहे वो फार्माकोलॉजी की हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री को, माइक्रो की हो, बायोकेमिस्ट्री को, फार्माकोग्नोसी को, आपको 2 क्लासिफिकेशन हर रात को सोने से पहले पढ़नी है, 2 नेम रिएक्शन आपको याद करना है और 20 MCQ इनामदार के बुक से सॉल्व करने हैं। अब 20 MCQ का सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की भी एक टेक्निक होती है, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम जो सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आंसर मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर ढूंढते हैं, दैट इज द रॉन्ग वे टू सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, जिस ऑप्शन को आप रॉन्ग नहीं कर पा रहे वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कंफ्यूज रहते हैं ए होगा या सी होगा, तो वो जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है। तो हमेशा एमसीक्यू को ऐसे नहीं सॉल्व करना टिक करके आगे बढ़ गए, अगर आपका करेक्ट आंसर बी है
तो ए सी डी गलत क्यों है वो भी आप लिखें, ताकि ये क्वेश्चन दोबारा आपको जब कभी आए तो सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, वो पूरा का पूरा वीडियो रिकैप हो जाए और आपका वहां पर मार्क्स सिक्योर हो जाए, एक्यूरेट आंसर मिले आप। तो अच्छा टास्क है वो, पूरा दिन, रात को सोने से पहले का या आधे घंटे का टास्क है, बाकी पूरे दिन क्या करना है आपको, तीन टॉपिक पकड़ो, कॉम्बिनेशन बना लो कोग्नोसी प्लस केमिस्ट्री का और सोटिक्स प्लस कोलोजी का, ये कॉम्बिनेशन बना लो कि दो दो टॉपिक, एक एक टॉपिक, मतलब जैसा भी आपका लगे, तीन टॉपिक वो चूज करने हैं जो आप एक दिन में कवर कर पाओ, दो मेजर माइनर, और वो टॉपिक कहाँ से चूज करने हैं, वो सब्जेक्ट आपको जो मैंने 100 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखने को कही बोली थी, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, आपका फार्माकोग्नोसी, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईपीएनपीपी, ये पांच सब्जेक्ट हैं बड़े, ठीक है, इनको आप कंटिन्यूअस, इनको रोज टच में रहो, ठीक है। चार छोटे सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफार्मास्यूटिक्स और ज्यूरिसप्रूडेंस, इनको क्या आप कंटिन्यूअस सिर्फ रीडिंग करते रहे, 1 घंटे की रीडिंग जो रहती है ना उसमें आप इसको रीड करें, तो आप ऐसे करोगे तो पूरे 100 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रही होगी, और यहाँ पर आप 80% भी एक्यूरेट बन गए, आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा और रैंक भी अच्छा खासा आएगा। वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना, जो 9 सब्जेक्ट के नाम बनाए हैं इन्हीं 9 सब्जेक्टों पे आप फोकस करना, क्योंकि इनका वेटेज 95 से 100 क्वेश्चन तक का है, ठीक है। फिर क्या है, हर सुबह उठ के आपको 1 घंटा हमारे नोट्स को रीड करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि साउथ में सब लोग बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान इतना, जैसे कि मैं एक बात करूँ कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो हमारा ध्यान हेडिंग वेडिंग पे चला जाता है, फिर वहीं पे अगर कोई क्लास में हमारे बात कर रहा होता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हम तुरंत क्या, हम रिकॉल कर लेते हैं कि मेरे पापा पढ़ रहे थे, मैंने देखा था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा तो था, मतलब हम उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते तब भी हम वहां पर 2 से 3 मिनट में बोल पाए, क्यों, क्योंकि हम सुबह उठ के रीड कर रहे हैं, रीडिंग से क्या होता है हमें चीजें पता चलती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, फिर वो रीडिंग क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा, दो चीजें होंगी, एक चीज तो आप जो नहीं पढ़ी है उसको पढ़ लो, दूसरा जो आपने पढ़ लिया, लेट्स सपोज ये 3 टॉपिक पढ़ लिया, आप रोज भी तो आप 3 टॉपिक पढ़ोगे तो रिविजन कब करोगे, तो रिविजन वाला टाइम यहाँ पर आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, इन 3 चीजों को करके आपको क्या मिल रहा है, इस ये चीज करके, चौथी चीज करके आपको क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग, रिवीजन, तीनों चीज आपको इस शेड्यूल में मिल रही है। शेड्यूल कैसे बनाना है, किस हिसाब से बनाना है मैंने बता दिया है, कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करना है वो वीडियो देख लेना, या वीडियो में जो मैंने 9 सब्जेक्ट के नाम बोले वो देख लेना। रोज आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है, पहला क्वेश्चन कि आज मैंने क्या किया और कल मैं क्या करूंगा, मतलब आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा और कल मैं क्या पढ़ूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सुबह उठ के कि मेरे को कौन सा टॉपिक रीड करना है, ठीक है। आप सिर्फ ये सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ नहीं तो आप 10 दिन खुद करके देखें, आपको अंदाजा, मतलब आपको खुद को फायदा दिखना चालू हो जाएगा। अब ये सिर्फ 50 दिन करने से क्या, मतलब 50 दिन में इसको अपनाने से लॉजिकल बात क्या है, अगर आप रोज के 2 क्लासिफिकेशन याद करते हैं तो आप 100 क्लासिफिकेशन याद कर पाओगे अपने 50वें दिन पे, 2 नेम रिएक्शन रोज याद करते हो तो यहाँ पे 100 नेम रिएक्शन हो जाते हैं, लेकिन आप पाओगे कि 100 क्लासिफिकेशन भी नहीं होगी, 100 नेम रिएक्शन नहीं होगी, उस टाइम पे क्या करें, टेबल्स ऐड करो, बहुत सारे टेबल्स आते हैं जो हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो उस वहां पर जाके वो टेबल्स को देखो, जैसे कि बीएससी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग होती है उससे क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपका मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड के टेबल से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो टेबल्स को ऐड कर लो, ठीक है। 3 टॉपिक अगर आप रोज करते हो तो 150 होता है, 150 नहीं होता है, मान के चलो कि बीच में किसी दिन 1 टॉपिक हुआ, किसी दिन 2 हुआ, तो मैं 10-15 दिन मान लिया कि आपने 10-15 अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, 10-15 दिन मतलब कि 25 से 30 टॉपिक, 120 टॉपिक आप सिलेबस पकड़ना, 120 टॉपिक हाईलाइट करना, क्या आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपने 100 टॉपिक भी कर लिए उस पर तो आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं होगा, आई एम श्योर क्वालिफाई हो जाएगा। और रोज 1 घंटा नोट्स पढ़ते हो ना, 1 घंटा, तो 1 घंटे में आप 2-3 चैप्टर तो आराम से रीड कर लोगे, तो 100 टॉपिक आप रीड कर पाओगे एटलीस्ट, 100 नहीं तो 80, अब 200 टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हो जीपैट एग्जाम में, तो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, आप जरूर से कर पाओगे। अब इसमें हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, देखो पार्ट कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसका 50% का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीजें हमने वापस से रिवाइंड किया है,
ठीक है, तो पाथ का ही कोर्स बहुत ही, उस कोर्स की फी को हमने हाफ कर दिया है। मॉड्यूल्स वाला जो है वो प्राइस वही है, बट एक जो दूसरा कोर्स है उसकी फीस को हमने हाफ कर दिया है। अब उसमें आपको क्या मिलेगा, ये लेक्चर्स 11 तारीख से लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑलरेडी चालू हो रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, देन आपका फार्माकोग्नोसी, कॉस्मेटिक एंड एनडीडीएस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोफार्मास्यूटिक्स, एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इन सबके ये लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, अब इन लेक्चर्स में क्या रहेगा, आपको एक फुल फ्लेज बोल सकते हैं ना, आई कैची कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो देखने को सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, देखो सिर्फ ये 10, मतलब कि आप मान के चलो कि पूरा अप्रैल क्लास चलेगा मई फर्स्ट वीक तक। मई फर्स्ट वीक तक में आप ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, एनालिसिस से 7 से 9, 10 10 मान लो 20 हो गए, मेडिसिनल से कितने आते हैं 5 क्वेश्चन, 25, फार्माकोलॉजी से 20, 45, 10 क्वेश्चन कोग्नोसी से 55, एनडीडीएस आईपी पूरे ये जो सेक्शन है पूरे चांस से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 60 to 70 क्वेश्चन की रिविजन आपकी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको बहुत इफेक्टिव पड़ेगा ये क्लासेस। ठीक है, इसके साथ में आपके टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों है कि मेरे को टेस्ट तो चाहिए, सॉरी मुझे लेक्चर्स वगैरह नहीं, मेरा प्रिपरेशन हो गया, मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। तो हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। अब ये मॉक टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि पहले आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, फार्माकोलॉजी के 125 क्वेश्चन होंगे, एचएपी पैथो के 125 क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। फिर ये प्री मॉक टेस्ट है। अब प्री मॉक टेस्ट भी हमने ऐसे डिजाइन किया कि हमने पूरे सिलेबस को टच किया है, पूरे सिलेबस को, मतलब आप कभी 10 के 10 टेस्ट दे पाओगे ना तो आपको लगेगा कि आपने इकोलॉजी के हर एक चैप्टर को टच किया है, सोटिक्स के हर एक टैबलेट चैप्टर को टच किया है। तो बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट सीरीज होने वाली है ये, और बहुत ही इफेक्टिव ये कोर्स का प्राइस भी होने वाला है। मैं कहूँ तो आपको 899 में ये पार्ट का कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज 300 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ये कोर्स लाइव हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का भी लिंक डाल दूंगा, नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप नंबर पे कॉल करें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार वापस से मैं इसे टास्क वगैरह दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया। आपको अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।